कई गांव ऐसे हैं जहां लोग असहजी मूलभूत समस्याओं के लिए जूझ रहे हैं। यहां ना तो सड़क है और ना ही पेयजल और विद्युत की उचित व्यवस्था। वहीं बरसात के दिनों में समस्या और भी बढ़ जाती है। मामला जनपद हमीरपुर के जलालपुर थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम भेड़ी डांडा का है, जहां पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बारिश का पानी इस कदर भरा हुआ है कि बच्चों की पढ़ाई पूर्ण रूप से ठप हो चुकी है। यहां की कीचड़ भरी सड़कें अपना हाल खुद बयां कर रही हैं। लोगों की पीड़ा यह है कि यहां तक पहुंचने में उन्हें जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यहां इस प्रकार की सड़कों की वजह से कोई भी प्रकार की सुविधा गाँव तक नहीं पहुँच पाती। ग्रामवासियों ने बताया कि सड़क ना होने के कारण हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई और इलाज के लिए भी परेशान हो रहे हैं। दूर दराज बाजार होने के कारण हमें हर प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब समझ में यह नहीं आता कि यह कैसा विकास है। क्या जनपद हमीरपुर के शासन और प्रशासन को ग्राम की दुर्दशा दिखाई नहीं देती? यहाँ के प्रधान सिर्फ अपनी तिजोरियाँ भरने में लगे हैं, उन्हें जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं। उनके पास तो कहीं आने जाने के लिए चार पहिया वाहन है, लेकिन कीचड़ में पैर खपा कर गरीब ही जाता है। क्या है सर यहाँ पे? ये समस्या आएगी, अगर कोई बीमार हो जाए ना तो भेड़ी से जलालपुर जा सकता है, ना कुपरा जा सकता है, ना कुपरा से जलालपुर जा सकता है। फिर ना एम्बुलेंस आ सकती है कोई, अगर रात में बीमार हो गया। रोड सारा बेकार है यहाँ का। ग्रामों के हालात ऐसे हैं कि लोग कीचड़ और पानी से भरी सड़कों से निकलने पर मजबूर हैं। मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर पलीता किस तरह से लगाया जा रहा है, यह अंदाजा यहाँ की हालत देखकर लगाया जा सकता है। सरकारी योजनाओं का बंदरबांट करके अधिकारी और नेता तो मजे में हैं, मगर जनता की तकलीफ सिर्फ वह खुद ही समझ सकता है। हमीरपुर से मोहम्मद मुख्तार की रिपोर्ट।